hello everyone welcome again to your channel biology with dr sudha and let us continue with the same video megasporogenesis so in our last video we have seen the structure of ovule okay now we are going to start with megasporogenesis that is formation of megaspore. okay i have told you that these are the new cellar cell cells these all are diploid deployed the, uh, there is one cell वन सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म। एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ किसका सेल न्यू सेलर सेल दिस कंप्लीट इज फिल्ड विद न्यू सेलर सेल्स बट नोट ऑल द सेल्स टेक पार्ट इन एम फॉर्मेशन ओनली वन सेल टू वर्ड द माइक्रोपाइलर एंड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल जो होता है वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है ऐसा मान लीजिए कि एक ही सेल वो क्या बनाएगा Megaspore बनाएगा दिस मैगा मदर सेल एज इट इज गोइंग टू गिव राइज टू दैट इज इज नोन एज वन सेल इज नोन एज मदर सेल इट इज विद विद्लाज्मा एंड इट इज डिप्लॉड तो लेट मी टेक दिस सेल दिस वन मैगापोर मैगापोर मदर सेल लेट मी ड्रॉ इट हियर दिस इज मैगापोर मदर सेल दिस इज अ डिप्लॉयड सेल और ये सेल कहां से आया है न्यूसेलर सेल का कोई भी एक सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ स्पेशलाइज होकर मैगा मदर सेल बन जाता है तो इसको हम बोलेंगे एम एम सी इन माइक्रोस्पोर डन दैट देर वॉज एम एम सी दैट वॉज माइक्रोस्पोर मदर सेल बट हेयर इट इज मैगा स्पोर मदर सेल

एंड दिस इज फोर ऑल द सेल्स आर हेफ्लॉयड क्यों हेफ्लॉयड है क्योंकि म्योसिस से बने हैं एंड म्योसिस यू ऑल नो दिस द रिडक्शनल डिविजन तो देखो थोड़ा सा लेटमी रबिट है तो ये जो फोर सेल्स हैं ये इस तरह से फोर सेल्स दिस वन सेल अंडरको म्योसिस टू थ्री फोर तो ये बन जाएगा मेगा स्पोर टेट्राड ठीक है बट दिस इज मैगा मदर सेल से क्या बने मैगापोर आप फोर सेल्स हैं इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं हम इनको टेट्राड बोल सकते हैं ऑल द सेल्स आर हैप्लॉयड बट यहाँ पे एक डिफ्रेंस है माइक्रोस्पोर जेनेसिस में क्या हुआ था माइक्रोस्पोर टेट्राड से फोर माइक्रोस्पोर बने थे बट हेयर दिज थ्री सेल्स विल डीजेनरेट ओनली वन सेल कौन सा सेल विच इज टू वर्ड इज माइक्रो पाइलर एंड तीनों तीनों डिजनरेट हो जाएंगे ठीक है तो ओनली वन विल लेफ्ट तो लेट मी राइट हेयर दैट द्री विल डी जनरेट थ्री विल डी जेनरेट ओके राइट ओके हटा देते हैं बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे ये जब मैं ड्रा कर रही ड्रा कर रही हूं तो दिस एंड इज माइक्रो पाइलर एंड दिस एंड इज़ कैलाज एंड और इसी को अपने माइंड में फिट करके चलेंगे एन में थोड़ा सा ऑव्यूअल जो है डाइग्राम आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं है द एंड विच इज ओपन इज माइक्रोपाइलर और जो एंड उसके अपोजिट है दैट इज कैलाजा लैंड तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये वाला माइक्रोपाइलर पाइलर एंड और ये कैलाजा लैंड है तो डोंट गेट कन्फ्यूज वि द एनसीआर पिक्चर्स वी आर सिम्पलीफाइंग है मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगी सिंपल से सिंपल समझाने की ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए हैव हुई सेम चीज ही राइट ओके Now, टेट्राड में से जिन हो गए, तो तो क्या हुआ स्पोरोट हुआ स्पोर्स बना स्पोर्स बन के अब क्या होगा माइटोसिस तो मेगास्पोर के ये जो सेल है एक सेल जो है इट विल अंडरगो माइटोसिस ठीक है <coughs> और क्योंकि जो हमारा एम्ब्रोसैक बनेगा वो एक ही स्पोर से बन रहा है इसीलिए मैगा ये जो एम्ब्रोसेक फॉर्मेशन है दैट इज पार्टिसिपेट कर रहा है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक तो माइटोसिस करने के बाद क्या होता है देर बी थ्री माइटोटिक डिविजन ठीक है थ्री माइटोटिक डिविजन की वजह से देर आर फॉर्म एट न्यूक्लियाई एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब कहने का मेरा ये है माइटोसिस में पहले नॉर्मली क्या होता है फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस बट यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियाई की माइटोटिक डिवीजन ओनली केरियोकाइनासिस होता है अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ ठीक है तो जब ये न्यूक्लियाई एट न्यूक्लियाई में डिवाइड कर जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम दिस न्यूक्लिया गेट अरेज्ड अरेज दिस वॉज माइक्रो पायलर एंड दिस वॉज कैलाजलैंड तो माइक्रो पायलर एंड कैलाजलैंड दिस थ्री न्यूक्लिया मूव टूवर्ड्स कैलाजलैंड एंड दिस थ्री न्यूक्लियाल मूव टू वर्ड्स माइक्रो पाइलर एंड दिस टू न्यूक्लिया विल रिमेन इन द सेंटर तो लेट मी फॉर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट कितने न्यूक्लियर हो गए एट न्यूक्लियर रिमेंबर इट लेट मी राइट हेयर एट न्यूक्लिएटेड आगे लिख रहे हैं फिर उसके बाद क्या शुरू होता है? केरियोकाइनासिस के बाद साइटोकाइनेसिस। तो धीरे देरे धीरे इन सेल्स के अराउंड वॉल डेवलप होनी शुरू होती है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और क्या बन जाते हैं कैलाजलैंड की तरफ बनते हैं तीन सेल्स ठीक है और ऐसे इधर साइटोप्लाज्म डिवीजन और सेल वॉल का डेवलपमेंट तो यहाँ बन गए आपके थ्री सेल्स टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड और ये दो न्यूक्लियस सेंटर में रह गए ये भी अपने राउंड वॉल डेवलप करते हैं और एक सेल बनाते हैं और एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लिया हैं टू न्यूक्लिया ठीक है नाउ काउंट द सेल्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस कंप्लीट सेल दैट इज सेवन सेल तो एट न्यूक्लिया बट सेल कितने हैं सेवन सेल्ट आर फॉर्म्ड ठीक है दिस लेट लेट लेबल दिस सेल्स दिस थ्री सेल्स टूवर्ड्स द केलाजल एंड दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स एंड थ्री सेल्स टूवर्ड्स दिस माइक्रोपाइलर एंड द सेंट्रल सेल इज नोन एज एग एंड these two cells which are on the sides they are known as synergids and to gather synergids and egg is known as egg apparatus egg apparatus and this complete structure is known as embryo sac embryo sac now this embryo sac is eight nucleated seven Cell structure, right? And these synergids, let me draw it here fairly. Now, the complete structure which you are having, embryos egg, central is egg, there are synergids. Synergids have, have some finger like structure, fimbri, right? This finger like apparatus will help the pollen tube to move towards this micropylar end. ये साइनरजिट्स की हेल्प से जब पॉलन ट्यूब जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे तब उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब पॉलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करना है एम्ब्रोसैक के अंदर तो ये जो साइनरजिट्स हैं वो उसको हेल्प करेंगे दे हैव द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और सेंटर में है हमारे पास पोलर न्यूक्लिया दीज आर द टू पोलर मी लेबल हेयर पोलर न्यूक्लिया And <coughs> there are three cells. These are antipodal cell. So this is the development of embryo sac. And as this embryo sac is forming this egg, that is female gamete. So embryo sac is also known as female gametophyte. Okay. So this is all with the megasporogenesis. I think till then, till uh, this embryo sac development. There is no doubt. If there is any doubt, you can write in my comment section and we will start in our next video. Till then, bye bye. Thank you for watching.